हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा रणवीर सिंह और वाणी कपूर की आने वाली फिल्म बेफिक्री के बारे में। जी हाँ, इस फिल्म का पोस्टर्स तो आपने सभी ने देख लिया होगा। करीबन करीबन 6 से 7 पोस्टर इस फिल्म के अभी तक आ चुके हैं, जहां पे वाणी कपूर और रणवीर सिंह दोनों किस करते हुए नजर आए थे। उसके बाद इस फिल्म का एक गाना भी आया जिसमें रणवीर कपूर और वाणी सिंह थे नहीं, लेकिन ये गाना फिर भी काफी ज्यादा चला। और अब इम्पोर्टेंट खबर ये आ रही है कि इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होना है। जी हाँ, इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज की अनाउंसमेंट अब हो चुकी है और आप शॉक रह जाओगे, स्टंट रह जाओगे जब मैं कहूंगा कि इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज पेरिस में होना है। जी हाँ, सिटी ऑफ लव पेरिस में इस फिल्म की शूटिंग भी की गई है। और इसका जो जो जहाँ पे ट्रेलर रिलीज हो रहा है उस जगह के बारे में आपको बता दूँ, जी हाँ, आईफिल टावर जो सबसे फेमस जगह है पेरिस की, आईफिल टावर जो स्टैचू है, वहाँ पे इस ट्रेलर रिलीज होना है। एक बहुत बड़ा इवेंट है, मतलब बहुत बड़ा एक ट्रेलर लॉन्च पे एक इवेंट है, जो कहीं ना कहीं पहली बार किसी बॉलीवुड फिल्म का जो ट्रेलर है वो रिलीज होगा आईफिल टावर पे, तो एक बहुत खुशखबरी की बात है। हमें पता ही है ये मूवी पूरी रोमांटिक है, एक प्यार से भरपूर है। इस फिल्म को लिखा है, स्क्रीन प्ले भी दिया है आदित्य चोपड़ा ने, इसे डायरेक्ट भी किया है आदित्य चोपड़ा ने। आदित्य चोपड़ा करीबन 7 से 8 साल बाद डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठे हैं और इस फिल्म को शूट किया है। तो बहुत बड़ी रोमांटिक फिल्म है, आदित्य चोपड़ा ने हमें दिलवाले दुल्हन ले जाएंगे जैसी फिल्म दी है, तो हम उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। और वाणी कपूर के लिए फिल्म बहुत बड़ी रहेगी। रणवीर कपूर तो माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर है ही हैं और वो हर तरह के रोल में छा जाते हैं, तो इस फिल्म में भी उनका एक रोमांटिक साइड देखने को मिलेगा। ये फिल्म रिलीज होगी 9 दिसंबर को, तो करीबन करीबन 2-2.5 महीने का वक्त आराम से बाकी है और इस फिल्म से काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है। और बहुत ज्यादा सबसे पहले तो मैं एक्साइटेड हूँ इस ट्रेलर के लिए जो 10 तारीख को रिलीज होगा, 10 अक्टूबर को। तो आप कितने एक्साइटेड है बेफिक्रे के लिए और किस तरह से आप खुद को रिलेट करते हैं इस फिल्म से, इस फिल्म के जो पहला गाना है उससे और फिल्म के पोस्टर से? आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में मुझे बता सकते हैं, और कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट है आपको इस फिल्म को लेकर वो भी आप बता सकते हैं। चलिए, अब कुछ और बॉलीवुड खबरें पर चलिए, तब वो जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बाय।